नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रविंदर। दोस्तों आज की हम बात करेंगे जियो 5G इंटरनेट की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा स्लो मिली है। यदि आप भी एक जियो के नए यूजर हैं या फिर जियो के पुराने यूजर हैं, यदि आपके भी साथ इसी प्रकार की घटना घट रही है तो आज पूरे मैं आपको बताऊंगा इनके प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहाँ पर तीन प्रकार की परेशानी ग्राहक को देखनी पड़ती है। काफी सारे लोग जो सवाल पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि सर हमारा 50% तक जो इंटरनेट है वो तो काफी ज्यादा अच्छा चलता है, लेकिन 50% के बाद जो है हमारा इंटरनेट स्लो हो जाता है। यदि आपकी ये समस्या है तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। दूसरी समस्या ये है, काफी सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमारा शुरू से लेकर लास्ट तक जब तक 1.5 GB हमारा समाप्त होता है हमारे इंटरनेट की जो स्पीड है वो स्लो ही रहती है। और तीसरे नंबर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि हमारे सर्कल में जियो का 5G इंटरनेट की जो सर्विस है वो कब तक लॉन्च होंगी। तो चलिए दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो शुरू से लेकर आज तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों यदि आप YouTube पर वीडियो देख के थक गए हैं कि भाई ये सेटिंग कर लीजिए आप अपने जियो के 5G इंटरनेट की स्पीड रॉकेट से भी ज्यादा तेज चलाएंगे, तो दोस्तों जान लीजिए जब पीछे से ही आपको इंटरनेट की स्पीड काफी ज्यादा स्लो दी जाएगी तो आपका मोबाइल फोन उस थोड़ी सी स्पीड को रॉकेट नहीं बना सकता, ये तो आप भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों क्योंकि दोस्तों आज के जमाने में जितने भी मोबाइल फोन है वो मॉडर्न मोबाइल फोन है, 5G मोबाइल फोन है, वो ऑटोमेटिक मोड पर लगे रहते हैं। जैसे ही आप उसमें सिम कार्ड डालते हैं मोबाइल फोन ऑटोमेटिक सेटिंग कर देते हैं, आपको कोई भी सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम जानेंगे कि 50% इंटरनेट यूज करने के बाद जब हमारा 50% बचता है इंटरनेट उसके बाद हमारी इंटरनेट की स्पीड स्लो क्यों हो जाती है। तो दोस्तों ये तो मैं जब से देखता आ रहा हूँ जब से जियो कंपनी लॉन्च हुई है, जियो ने 4G इंटरनेट लॉन्च किया था और मैंने जियो का सिम कार्ड परचेज कर लिया था। उस दौरान मेरे पास मोबाइल जो फोन था वो सैमसंग का J2 मोबाइल था, तो वहां उस मोबाइल में मैं जब सिम कार्ड डालकर 4G इंटरनेट यूज करता था तो 50% तक मेरा भी डेटा सेम चलता था और 50% के बाद मुझे नहीं पता कि कंपनी क्या करती थी। इसके लिए आप कंप्लेंट डाल सकते हैं जियो के हेल्पलाइन नंबर 198 पे और बता सकते हैं कि 50% तक हमारा डेटा अच्छा चल रहा है और 50% के बाद हमारा डेटा स्लो हो जाता है। तो दोस्तों कंप्लेंट डालेंगे तो कंपनी के जो आपके कस्टमर केयर हैं वो आपके इस जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको जरूर देंगे। चलिए दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं। काफी सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमारे सर्कल में 5G इंटरनेट आ चुका है लेकिन अभी तक 5G की जो स्पीड है वो हमें काफी ज्यादा स्लो मिल गया। तो दोस्तों दो कारणों से जो है जियो 5G इंटरनेट स्लो, जो 5G की इंटरनेट की जो स्पीड है वो आपको स्लो दो कारणों से मिलती है। सबसे ज्यादा यदि आपके सर्कल में 5G यूजर काफी ज्यादा है तब आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। और दूसरा बड़ा कारण है कि आपके सर्कल में यदि 5G यूजर बहुत ना के बराबर है जब आपको ये समस्या देखने को मिल पाएगी, क्योंकि दोस्तों जब यूजर ज्यादा होंगे तो यदि आपके सर्कल में जो टावर है वो कम है इस वजह से जो है आपको 5G के इंटरनेट की स्पीड स्लो मिल सकती है। या दूसरा बड़ा कारण है कि यदि आपके सर्कल में यूजर कम है तो इस वजह से जो है कंपनी आपके सर्कल के अंदर जो टावर लगाने का जो काम है उसको थोड़ा स्लो कर रखा है। कंपनी सबसे पहले उन सर्कलों को चेक करती है कि जहां पर यूजर यानी 5G के यूजर ज्यादा है, 5G मोबाइल फोन यूज करने वाले लोग ज्यादा है, ऐसे सर्कलों में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि आपके सर्कल में यूजर ज्यादा है तो आने वाले जो है 23 के लास्ट तक जो है दोस्तों इसकी जो समस्या है समाधान कर दिया जाएगा। और यदि आपके सर्कल में अभी तक 5G यूजर कम है, यदि ये समस्या है तो ये 2023 तक जो है ये जो है यूजर धीरे धीरे बढ़ जाएंगे और आपके सर्कल में 5G इंटरनेट की स्पीड जो है वो भी बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि टावर धीरे धीरे हर जगह लगने शुरू हो चुके हैं। कुछ जगह तो ऐसे हैं जो कुछ महानगर ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से ये काम कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों यदि आपके सर्कल में अभी तक 5G इंटरनेट की जो स्पीड 5G सर्विसें अभी तक नहीं पहुंची है तो वो कब तक पहुंचेंगी, तो यहां पर बताया गया है कि 2023 के लास्ट तक जो है ऑल इंडिया में जियो की 5G इंटरनेट की जो सर्विसें हैं हर गांव हर गली मोहल्ले तक पहुंचा दी जाएंगी। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे यदि आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप जियो के कस्टमर केयर नंबर 198 पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। आप एक नहीं आप कई सारे नंबरों से इस प्रकार से कंप्लेंट दर्ज कराएंगे तो आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द देखा जाएगा और उसकी सलूशन कर दिया जाएगा। अन्यथा ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल की 5G स्पीड को बढ़ा सकें, यानी कि रॉकेट से भी तेज अपनी मोबाइल फोन की स्पीड को बढ़ा सकें। तो दोस्तों चलिए मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। आप समझ चुके होंगे कि आपको जो है जियो 5G इंटरनेट की स्पीड स्लो क्यों मिल रही है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं लेता हूं इजाजत, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।